आज कांग्रेस पार्टी ने अपने एक ट्वीट करके अपने ट्वीट में राहुल गांधी को महात्मा गांधी का वंशज बताया है। और इस ट्वीट में कांग्रेस पार्टी ने क्या लिखा है आप देखिए, आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए क्या लिख रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है, तानाशाह कान खोलकर सुन ले, ये गांधी का वंशज है, इसे रोक नहीं तुम पाओगे, सच की इस लड़ाई में राहुल से जीत नहीं तुम पाओगे। तो ये कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है आज, आपने देखा होगा। और इसमें उन्होंने राहुल गांधी को गांधी का वंशज बताया है। यह तो कहा ही है कि यह सच की लड़ाई है, लेकिन बड़ी बात यह है, लिखा है कि यह गांधी का वंशज है, यानी कांग्रेस राहुल गांधी को महात्मा गांधी का वंशज बता रही है। और कौन सा और दूसरा गांधी है? और इसे लेकर हमारे देश में हमेशा से लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहा है। इसलिए आज हम आपको दो गांधी परिवारों की सच्ची सही कहानी बताएंगे। इनमें एक थे महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई संवैधानिक या सरकारी पद नहीं लिया और आजादी के बाद भी कभी पद और परिवार की राजनीति नहीं की। ये तो महात्मा गांधी थे, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से आप सब जानते हैं। लेकिन जो गांधी परिवार आज लटियंस डेली में रहता है, बड़े बड़े बंगलों में रहता है, कई कई एकड़ के बंगलों में रहता है, वो पिछले 75 वर्षों से हमारे देश में परिवारवाद की राजनीति ही करता आ रहा है और इसके लिए पद ही सब कुछ है, इसीलिए वो हमेशा सत्ता में रहते हैं। असल में गांधी परिवार का महात्मा गांधी से कोई लेना देना है ही नहीं। राहुल गांधी ना तो महात्मा गांधी के वंशज हैं और ना ही उनकी विरासत का कहीं दूर दूर तक कोई हिस्सा है। राहुल गांधी को ये गांधी सरनेम अपने दादा यानी इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी से मिला था, जो इंदिरा गांधी के पति थे। फिरोज गांधी के पिता का नाम था जहांगीर फरदून गैंडी। अंग्रेजी में वो गांधी नहीं गैंडी लिखते थे, जिसकी स्पेलिंग है GHANDY, गैंडी। फिरोज गांधी के पिता मुंबई के रहने वाले थे और वो पारसी धर्म को मानते थे और उनका सरनेम ये था जो आपकी स्क्रीन पर है, गांधी नहीं गैंडी, क्योंकि वो पारसी थे। 12 सितंबर 1912 को जब फिरोज गांधी का जन्म हुआ, तब उनके जन्म प्रमाण पत्र में भी गांधी नहीं बल्कि गैंडी ही लिखा था, जो उनके पिता का उपनाम था या सरनेम था, समझ लीजिए। ये फिरोज गांधी का जन्म प्रमाण पत्र है जो इस समय आपके सामने है, इसमें भी गैंडी लिखा है। और क्योंकि उस समय देश भर में आजादी का आंदोलन चल रहा था और फिरोज गांधी महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम को गैंडी से गांधी कर लिया। स्वीडन के एक बहुत मशहूर इतिहासकार हैं जिनका नाम है बर्तिल फाल्क। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है फिरोज गांधी द फॉरगॉटन गांधी, यानी वो गांधी जिन्हें भुला दिया गया। इसमें वो बताते हैं कि जब फिरोज गांधी आजादी के आंदोलनों में हिस्सा ले रहे थे, तब कई हिंदी अखबारों ने उनका नाम गांधी लिखने की बजाय गांधी लिखना शुरू कर दिया और इससे फिरोज गांधी का कद बढ़ने लगा। लोगों को लगा ये भी गांधी है, इनका गांधी से कोई ना कोई संबंध होगा, क्योंकि उस समय गांधी नाम में बड़ी ताकत हुआ करती थी महात्मा गांधी की वजह से। और यही वजह है कि फिरोज गांधी ने फैसला किया कि वो अपना सरनेम अब गांधी से गांधी कर लेंगे और उसके बाद वो फिरोज गांधी के नाम से ही मशहूर हुए। शादी से पहले इंदिरा गांधी का पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था, लेकिन फिरोज गांधी से शादी के बाद उनका नाम हो गया इंदिरा गांधी और ये गांधी सरनेम तब से ही चला रहा है। राहुल गांधी का महात्मा गांधी के परिवार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू के वंशज हैं, वो नेहरू के वंशज हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जो उनकी दादी थी वो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। महात्मा गांधी के खुद के वंशज कभी गांधी नाम का कभी कोई फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन जिस परिवार का महात्मा गांधी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो परिवार आज तक गांधी नाम का फायदा उठा रहा है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी के असली वंशजों में से एक उनके पोते राजमोहन गांधी ने वर्ष 1989 में अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। अब आप सोचिए, राजीव गांधी के खिलाफ महात्मा गांधी के असली पोते लड़ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में आप जानते हैं महात्मा गांधी के असली वंशज हार गए और राजीव गांधी जीत गए, यानी जो उनके नकली वंशज थे वो जीत गए और असली वंशज हार गए। और आज भी अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी के परिवार का कोई व्यक्ति आपको किसी भी संवैधानिक पद पर कहीं नजर नहीं आएगा, वो आज भी भारत के अलग अलग हिस्सों में कहीं कहीं पर रह रहे हैं, आपको उनके बारे में पता भी नहीं होगा कि वो कहां है।
लेकिन ये गांधी परिवार तब से लेकर अब तक गांधी के नाम पर ही लगातार अपनी सत्ता चला रहा है। तो बड़ी बात यह है, और आपने एक बार यह भी देखी होगी कि गांधी परिवार में चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा हो या सोनिया गांधी हो, वो सब इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर, इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर, नेहरू के पुण्यतिथि पर, इंदिरा गांधी के या नेहरू के जन्म दिवस पर, या फिर राजीव गांधी के जन्म दिवस पर, या उनसे जो संबंधित जितने भी प्रमुख दिन हैं, हमेशा उनके बारे में ट्वीट करते हैं, उनकी समाधि पर जाते हैं। पर आप सोचिए, क्या आपने कभी भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने असली दादा यानी फिरोज गांधी के बारे में कभी भी ट्वीट करते हुए देखा है? क्या कभी भी आपने उन्हें देखा है कि वो फिरोज गांधी के समाधि पर कभी गए हों, कभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की हों? आप याद करके देख लीजिए, अपनी जो याददाश्त है उस पर जोर डालिए। वो कभी भी फिरोज गांधी के बारे में बात ही नहीं करते, जबकि जो गांधी सरनेम उन्हें मिला है ये फिरोज गांधी से मिला है। वर्ष 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एसआईटी ने गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे ही पूछताछ के लिए गांधीनगर बुलाया, तो मोदी इस पूछताछ में बिल्कुल अकेले गए थे। वो अपना पानी भी अपनी बोतल में साथ लेकर गए थे, और पूछताछ के दौरान उन्होंने एसआईटी की चाय लेने से भी इनकार कर दिया था। इस एसआईटी के जो हेड थे उनका नाम है आर के राघवन, जिन्होंने अपनी इस किताब में यह लिखा है कि जब एसआईटी की टीम को मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो सरकार ने उनकी जासूसी करनी शुरू कर दी थी। तो बड़ी बात जो आज आपको देखनी है वो ये है कि राहुल गांधी की ही तरह जब नरेंद्र मोदी को 9 घंटे तक गुजरात दंगों के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब नरेंद्र मोदी बिल्कुल अकेले गए थे। कोई सत्याग्रह नहीं हुआ था, कोई पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां पर नहीं आए थे। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि तमाम मीडिया के लोग उस समय वहां मौजूद थे। नरेंद्र मोदी अकेले अपनी गाड़ी में बैठकर आए और चुपचाप एसआईटी के दफ्तर में चले गए। 9 घंटे तक पूछताछ हुई, इस दौरान उन्होंने पानी तक नहीं पिया एसआईटी का, अपनी पानी की बोतल खुद लेकर गए थे, चाय तक उन्होंने एसआईटी की नहीं पी, और सारे सवालों के जवाब दिए और कहा कि आप ब्रेक मत लीजिए, पूरे सवाल एक एक करके मेरे से पूछते चले जाइए। तो ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का फर्क है। लेकिन आर के राघवन आगे चल के क्या लिखते हैं, ये वो जमाना है जब यूपीए की सरकार थी, और यूपीए की सरकार ये चाहती थी कि किसी तरह नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों में फंसा दिया जाए, और इसके लिए एसआईटी बनाई गई। तो एसआईटी के अध्यक्ष खुद लिख रहे हैं कि जब वो एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी तो दिल्ली में जो उनके आका हैं वो बड़े परेशान हो गए। दिल्ली में कौन थे? यूपीए की सरकार थी, गांधी परिवार थे। तो वो आगे लिखते हैं, दे इंजीनियर्ड पिटीशंस अगेंस्ट मी, accusing me of favoring the chief minister. The grapevine had it that they misused central agencies to monitor my telephonic conversations. They were, however, disappointed not to find anything incriminating. तो ये तो SIT का जो प्रमुख है वो अपनी किताब में लिख रहा है कि जब मैं नरेंद्र मोदी को नहीं फंसा पाया, और जब SIT ने ये कह दिया कि इनका कोई हाथ नहीं है, तो उसके बाद दिल्ली में लोग बड़े नाराज हुए, और उसके बाद उन्होंने मेरा ही फोन टैप करवाना शुरू कर दिया। मेरे टेलीफोन की जो बातें हैं वो उन्होंने टैप करनी शुरू कर दी और मेरी जासूसी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी से भी हवाला के एक मामले में 1996 से 98 तक कई बार पूछताछ हुई। राम मंदिर के मामले में भी उनसे कई बार पूछताछ हुई। उन्होंने भी कभी इसे राजनीतिक उत्सव नहीं बनाया, और जब यह मामला सामने आया उस समय आडवाणी ने लोकसभा की सदस्यता से तुरंत इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह बीजेपी के एक और नेता मदन लाल खुराना का भी इसी हवाला केस में नाम आया था। इसके बाद उन्होंने भी 1996 में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बड़ी बात यह है, इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी और मदन लाल खुराना दोनों नेताओं पर एक भी आरोप साबित नहीं हुआ था, लेकिन ये पेश होते रहे और इन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। यानी बीजेपी के जो नेता हैं वो खुद को कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं मानते, और वो इस तरह की प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं का शोषण कभी नहीं करते। आज ये दो केस स्टडी हमने आपके सामने रखी हैं, एक कांग्रेस की केस स्टडी और एक बीजेपी की केस स्टडी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।